मिनिस्टर गोवा कैबिनेट से मैं रिजाइन हुआ हूं और एमएलएशिप भी रिजाइन किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोड ऑफ कंडक्ट और इलेक्शन प्रोसेस डिक्लेयर किया गोवा स्टेट में, तो अभी अगला इलेक्शन का तैयारी में ये सब रेजिग्नेशन वगैरह हमने दिया है और आगे चल के हम लोग डिसाइड करेंगे कौन से पार्टी से लड़ना है या इंडिपेंडेंट लड़ना है। जो भी डिसीजन होगा हमारा जो कार्यकर्ता है, जो मेन वर्कर है, उनको लेके ही हम डिसीजन लेंगे, उनको उनके साथ ही रह के डिसीजन लेंगे। क्या नाराजगी था सर बीजेपी छोड़ने का नाराज़? नहीं, अभी 15 साल हो गया, पार्टी कार्यकर्ता को उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। जो पार्टी कार्यकर्ता ने पार्टी बनाया था, इतना बड़ा पार्टी गोवा में बन गया, मनोहर पर्रिकर का जो लीगेसी बोल रहे हैं आगे लेके जाएंगे, जो उसका धोरण है, जो उसका मार्गदर्शन है, वो मेरे को नहीं दिख रहा है कि आगे जा रहा है। और ऐसे में हम लोग जो कार्यकर्ता थे, मनोहर पर्रिकर के फॉलोअर थे, उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उनको साइड में निकाला जा रहा है। मनोहर पर्रिकर के काफी लोग जो थे, समर्थक जो थे, जो सपोर्टर थे, एमएलए थे, उनको साइड में निकाला है, उनको आज इम्पोर्टेंस नहीं है पार्टी में। तो हम लोग इस कारण आज पार्टी छोड़ रहे हैं। दुख लग रहा है कि 15 साल के बाद पार्टी छोड़ना पड़ रहा है। सर ये नाराजगी आपका नेशनल कि सब चीज ठीक नहीं है गोवा में, उन लोगों ने बोला था हम लोग ठीक करेंगे। तो गोवा बहुत छोटा प्रदेश है उनके लिए, जो छोटा डिस्ट्रिक्ट जैसा है, एक स्टेट का, बड़े स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है उनको हिसाब से, लेकिन गोवा उनके लिए काफी लकी रह चुका है, लक गोवा से आया था उनके लिए। पर्रिकर जर आज आसलो जाल्यार तुम्ही बीजेपी सोडपाचे सोडू शकता? ना ना, पर्रिकर वॉज अ वेरी वेरी टॉल लीडर, आय हॅड लॉट ऑफ गुड मेमरीज विथ हिम अँड टुडे ही इज नॉट देअर, बट ही यूज टू रिझॉल्व इश्यूज ऑन लाईक अक्रॉस सिटिंग अक्रॉस टेबल्स। वी ऑल्सो हॅड आर्ग्युमेंट्स विथ पर्रिकर सो मेनी टाइम्स, though he was a very very tall leader, I can never argue with him, fight with him, but argument was also necessary on certain issues, and definitely he used to finally not say yes or no, but he used to understand what is in our mind also. so he used to listen to Karyakarta. Whatever party situation is today is because of Parrikar? No, party thinks their situation is very very good, so it will, time will say how good it is. I am not commenting on that. I have been with the party for 15 years. But I am only saying that loyal karyakartas have been sidelined, have been kept aside. And especially all those karyakartas who are following Manohar Parrikar, unko side mein nikala jaye. Who do you blame for keeping Manohar Parrikar's closed sidelines? I don't want to blame anybody. I am just a very very small person. I was a karyakarta. My letter has already reached BJP office, so I am not a karyakarta anybody, and I shouldn't comment on all those things. So, क्या लगता है कि कांग्रेस को माइकल लोबो ज्वाइन हो रहा है आज? नहीं, ऐसा अभी तक कुछ डिसीजन नहीं हुआ है। अगर डिसीजन होगा तो आप लोगों को पहला बोलेंगे। वी विल स्पीक टू यू ऑल फर्स्ट। थैंक यू सो मच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।